आपने डॉली की डोली फिल्म तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो देखने पर अपना समय भी खर्च ना करें, क्योंकि 4.5 IMDb रैंकिंग की यह फिल्म आपको ज़्यादा हंसा नहीं पाएगी। लेकिन इस फिल्म की कहानी आपको जरूर ठगी के किस्सों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है, खासकर कि तब जब आपके ही समाज में डॉली बनकर कई लड़कियां लड़कों को चूना लगा रही। खबर हरदोई से, जहां बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे को चूना लग चुका है। बता दें कि विकास नाम का युवक एक महीने पहले हरदोई के गाँव में गया और वहाँ पर लोगों को अपना परिचय दूर के रिश्तेदार के रूप में देते हुए गांव में ही रुक गया और नौजवान युवक की शादी करवाने के लिए उसके घर वालों को झूठा प्रलोभन देने लगा और लड़के की शादी करवाने के लिए घर वालों से सारी बातें तक कर डाली। और फिर उसने बताया कि वो अपने परिचित में ही किसी लड़की से उनके लड़के की शादी करवाएगा। लड़के के घर वालों को विश्वास दिलवाने के लिए उसने 4 साथियों को बुलाकर 7 मई को गाँव में युवक का तिलक भी करवा दिया और 19 मई को शादी की तारीख रखी गई। अपने लड़के की शादी की तारीख तय होने से वर पक्ष के लोग इसकी तैयारियों में जुट गए। शादी की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपनी 2 भैंसों तक को बेच डाला तो वहीं बिचौलिए विकास ने वर पक्ष से धीरे धीरे कर लगभग 2,00,000 रुपए तक ऐंठ लिए। दूल्हा और वर पक्ष सभी रस्मों को पूरा करके बीते बुधवार को बारात लेकर बताए गए स्थान के लिए रवाना हुई तो वहीं बीच रास्ते में ही ठग विकास कहीं गायब हो गया। बारात जब बताए गए लड़की के घर पर पहुंची तो सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रहता और ना ही ऐसी कोई लड़की। यह सुन दूल्हा और वर पक्ष हैरान रह गए और उन्हें खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ तो वहीं बीच रास्ता उतर कर भागा ठग विकास। गंदा काम करने की नज़र से दूल्हे के गाँव पहुँचा और उसकी बहन को बारात में ले जाने के बहाने बुलाने लगा, लेकिन जब तक फ़ोन पर उसका भेद खुल चुका था और उसकी बहन ठग विकास के बताए गए जगह पर अन्य महिलाओं के साथ पहुंची और वहीं उसे पकड़ लिया। फिर महिलाओं ने पकड़कर पहले उसकी धुनाई की, उसके बाद बारात से वापस लौटे लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी ठग विकास को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया और अब पुलिस इस मामले में पूरी जाँच कर रही है। तो ये थी कहीं ना कहीं डॉली की डॉली फिल्म से मिलती जुलती कहानी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लड़के ने ये पूरी कहानी रची और इस पूरी घटना को अंजाम दिया और कुछ लोगों के इमोशन के साथ भी खिलवाड़ किया, जिसकी सज़ा अब उसे यूपी पुलिस कानून के तहत दिलाएगी। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर ज़रूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। VK News UP। धन्यवाद।